कैसे हो? गुड आफ्टरनून। अभी जैसे देख रहे हो, मैं भी अभी हाईवे पे हूँ। ये स्कूटी है, अभी पापा को मैं छोड़ के आ रहा हूँ। मॉर्निंग में इसलिए वीडियो नहीं बनाई, रिकॉर्डिंग व्लॉगिंग इसलिए नहीं की क्योंकि पापा का खाना बन रहा था। वो भी बैग बैग भी पैक कर रहे थे अपना, तभी पापा को मैं छोड़ के आ रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे, ये पीछे जो दिख रहा है वो गंगा जी हैं। अभी काफ़ी तेज़ धूप है, इसलिए मेरी आँखें ज़्यादा खुल नहीं पा रही हैं। क्योंकि ये रोड, ये हाईवे है, ये खाली क्यों है? क्योंकि यहाँ भी कोई कभी काम चल रहा है, इसलिए ये वाला, ये वाला रूट अभी बंद है। तो वो पीछे का जो रूट है वो वाला चालू है, ये वाला रूट बंद है। तो इसलिए मैं भी वीडियो बना पा रहा हूँ, तो वरना बना ही नहीं पाता क्योंकि काफ़ी हाईवे है तो ट्रक आती जाती रहती हैं, तो बना नहीं पाता मैं भी। इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। क्योंकि उस साइड जो देख रहे हो वहाँ पानी नहीं भरा रहता था, इस साइड पानी यहाँ आता था, पानी पर उतना ज़्यादा नहीं आता था। ज़्यादातर बेसिकली पानी उसी तरह से बहता था, पर गंगा इतनी बढ़ गई है कि यहाँ से भी पानी जा रहा है, जा भी रहा है और काफ़ी भर भी गया इस साइड। वरना यहाँ ज़्यादा भरती नहीं थी क्योंकि हम मार्केटिंग यहाँ एक ये पड़ता है, मार्केट मूरतगंज पड़ता है, तो यहीं पे पापा को मैं छोड़ने आया था। और यही अच्छा, मतलब मार्केट अच्छा है, तो यहाँ से पापा और मैं कभी कभी जाते हैं, मम्मी भी जाती हैं मार्केटिंग करने के लिए। तो देखते रहते हैं कि यहाँ ये चीज़ अभी बहुत ज़्यादा गंगा जी बढ़ी है, तो इसलिए यहाँ से जा रहा है। वरना सिर्फ उस साइड से जो देख रहे हो पीछे, सिर्फ उसी साइड से पानी जाता है। मम्मी बैठी हैं एक गाँव की ही गई, उनका गाँव का पंचौरा स्टार्ट हो गया है, वो चलता ही रहेगा। और मम्मी का भी टाइम पास हो जाता है, मम्मी को क्या था क्या ही नहीं रही है। चलो ठीक है, क्या करना है। और वैसे मम्मी ज़्यादा किसी बात करती नहीं है, घर में रहती हैं, खाना बनाती हैं, या फिर डेली लोग का फ़ोन आता है, उन लोग से बात हो जाती है। वरना और किसी ज़्यादा बात करती नहीं हूँ, तो दुकान में कोई लेडीज आ जाती है, उनसे बात करने जाती है। 20 तो आज 20, 21, 22, 23, 24 को पापा आएंगे। 20 तो आज गए हैं, 22 को पहुँचेंगे, नहीं 21 को पहुँचेंगे शाम को, और 22 को अपना काम ख़त्म कर लेंगे। काम ख़त्म करने के बाद 23 को बैठेंगे और 24 को पहुँचेंगे यहाँ पर। तो 2-4 दिन मुझे दुकान में ही रहना है, और रहेंगे दुकान में। ब्लॉग तो आते ही रहेगा वैसे भी, क्योंकि ये फ़ोन पापा लेके जाते तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाता क्योंकि मेरा फ़ोन पर डैमेज हो गया, तो बार बार अपने आप रिस्टार्ट हो रहा है। उसको मैंने रिपेयरिंग करने के लिए भी दिखा दिया है, पर रिपेयर हो नहीं रहा है। उसने यहाँ उतने अच्छे रिपेयर करने वाले हैं भी नहीं, तो उनको देने से मतलब, या तो वो तो और भी ख़राब कर डालेंगे, इसलिए मैंने फ़ोन दिया ही नहीं। और वैसे भी कह रहे थे नहीं बन जाएगा तो उसके चार्जेस आपको लगेंगे 2000 या फिर 2000 के ऊपर ही रेट बता रहे थे। मैंने कहा नहीं, मुझे बनाना ही नहीं है। और रही बात कि मैं जब उनको छोड़ने जा रहा, पाओगे छोड़ने जा रहा था, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की? क्योंकि एक्शन कैमरा है नहीं, उसमें रिकॉर्डिंग की नहीं, जो है उसी से काम चल रहा है अभी। और देखते हैं कब तक नया कैमरा लेते हैं। कैमरा मेरे पास DSLR है, बट उसमें वाइड एंगल लेंस नहीं है, तो इसलिए मैं यूज़ नहीं करता हूँ। और गिम्बल भी मेरे पास नहीं है कैमरे का, तो मैं यूज़ नहीं करता हूँ उसे। और दिखाऊँगा मैं आपको, कैनन 700D है मेरे पास, दिखाऊंगा। और 50mm लेंस भी मेरे पास है, प्राइम लेंस, पर उसको मैं बस एज ए फ़ोटो खींचने के लिए यूज़ करता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी बहुत कम यूज़ करता हूँ उसको मैं। तो ऐसे ही है, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।